अभी इस बैटर में डल चुकी हैं सारी चॉप्ड वेजिटेबल्स। अब आके देखते हैं क्या होता है। ये बैटर नाम है ना, नहीं पता। बैटर, बैटर के बाद अब आ गया है पनीर की बारी। मेजर किया जा रहा है साइज कि कितना लंबा और कितना चौड़ा रखा जाए। मेजर हो गया साइज, ठीक है। ये बहुत ज्यादा बड़े लग रहे हैं मुझे तो, मैंने तो कभी इतने बड़े नहीं खाए। गाइस क्या आपको नहीं लगता कुछ ज्यादा बड़ा साइज है? नहीं लगता। ये क्या हो रहा है हाथ से? चम्मच से मिलाने से टूट जाता है पनीर। अच्छा, पनीर टूट जाता है चम्मच से मिलाने पर, इसलिए हाथ से मिलाया जा रहा है। क्योंकि बहुत से लोग होते हैं जो फिर कमेंट करते हैं, अरे हाथ से मिला रहे हैं, ये है सब, इसलिए बताना पड़ता है। अभी आप क्या कह रहे थे? इसमें हम आलू लगाएंगे, इससे पनीर टूटता नहीं है। अच्छा ठीक है। इस बैटर को कम से कम 10-15 मिनट रेस्ट कराना चाहिए, उससे फ्लेवर आ जाता है इसमें। अच्छा, ये आपने अब क्या लगाया है? शिमला मिर्च, ओके, प्याज, टमाटर, पनीर, फिर से वही शिमला मिर्च, प्याज, टमाटर, पनीर। Then repeat the process. हमारा पनीर टिक्के की तैयारी हो चुकी है और यहाँ हमारी आलू की टिक्की भी सिक चुकी है। इसे हम निकाल लेते हैं जो सिक चुकी है। यहाँ मैंने बर्गर की और टिक्की की तैयारी कर ली। अब पनीर टिक्का सिकना स्टार्ट हो गया है। ये हमारा पनीर टिक्का बिल्कुल रेडी हो चुका है और चिकन बनने को तैयार है, जिसका सेटअप लग चुका है। देख सकते हैं आप, पूरा सेटअप तैयार है, जिसमें पेटीज बाजार से आ चुकी है। अब हमें बर्गर बनाना है और आलू की टिक्की रेडी करनी है। अभी सबसे पहले हम खाते हैं पनीर टिक्का, टेस्ट करते हैं कि कैसे बनाया है। ये है मेरा पनीर, नॉट बैड, अच्छा बनाया। अनियन भी ले लिए साथ में, वैसे मैं खाती नहीं हूँ लेकिन मैं खाना सीख गई हूँ। अनियन के साथ मिक्स करके और अच्छा लग रहा है। तर को आपने सेक लिया है, उस पर लगी है हरी चटनी। हाफ अप कर लिया है बर्गर को, बन को, बर्गर तो अभी बनेगा, अभी तो बन है ये। यहाँ सिक रही है हमारी आलू की टिक्की गरम हो रही है और साथ में पेटीज गरम हो रही है। यहाँ हरी चटनी के बाद डाल चुकी है मीठी चटनी। प्याज नहीं काटी है मैंने, सॉरी। ये इस पे डाला खीरा, टमाटो, अपना ऐड किया है, मूली डाल रहे हैं इसमें नया फ्लेवर। बनाई किसने? नमक, चाट मसाला,
अब इस पे लगाती है गरम गरम आलू की टिक्की। अब इस पे डाली जाएगी चटनी। और डाली जाएगी सॉल्ट, या हम इसे कह सकते हैं मीठी चटनी। बड़ी समझ नहीं आई क्या? अब इस पे लगा दिया ऊपर से हाफ ऑफ बर्गर, हाफ ऑफ बन। अब इसको भी गरम किया जा रहा है। हो चुका है रेडी। अब आती है इसको टेस्ट करने की बारी कि कैसा बना है। अच्छा बना। साथ में पीते हैं कोल्ड। अब जाएगी इसमें हरी चटनी दादा सी। अब जाएगी मीठी चटनी। अब जाएगी इसमें मूली, नमक, चाट मसाला, जीरा का डालता इसमें। रेडी, अब इसको करते हैं टेस्ट। वाली चम्मच ले लो घर वाली, टेस्ट करके मैं अपना रिएक्शन बताती हूँ। अच्छी बनी है कि बेकार? वैसे क्रिस्पी तो लग रही है, बनाई भी तो मम्मी है। टूटने में काफी दिक्कत हो रही है मुझे, तोड़ने में काफी दिक्कत हो रही है मुझे। सही बनी है, क्रिस्पी तो बहुत है लेकिन मसालों की कमी है, अभी चटपटा नहीं है। यूपी वालों को चटपटे के बिना मजे नहीं आता। अब लास्ट में हम खाते हैं मीठा। मीठे में ये है पेस्टी, पेस्ट्री, ब्लैक फॉरेस्ट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। और साल का एंड हम करते हैं पेस्ट्री के साथ। मिलते हैं आपको अगले साल न्यू ईयर पर। बाय, मिलते हैं आपको कल 1 जनवरी पर। देखते हैं कल क्या क्या करते हैं।